वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिवस शेफ में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत 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 स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। नो, आज का जो सेशन है वो मैंने बड़ा डिफरेंट रखा है। आप देख ही रहे हैं कि आई एम नॉट इन माय शेविंग डेन, आज मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा हूँ और मैं आज आपको आपके साथ चर्चा करूँगा अपने टॉप 11 आफ्टर शेव लोशंस के बारे में। सो इससे पहले कि मैं आपको अपने आफ्टर शेव लोशंस के बारे में कुछ बताऊँ, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये आफ्टर शेव लोशंस और आफ्टर शेव बाम्स में फ़र्क क्या होता है। आपने अक्सर मेरे शेविंग वीडियोज़ में पोस्ट शेव सेशन में देखा होगा कि मैं कभी आफ्टर शेव लोशन अप्लाई करता हूँ, फिर बाम भी अप्लाई करता हूँ। तो बाम के बारे में तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले एक सेशन रखा भी था जिसमें मैंने अपने टॉप 10 आफ्टर शेव बाम्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ बाम्स जैसा आपको पता ही है, क्रीमिश उनका जो टेक्सचर होता है, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है, उसमें कई तरह के ऑयल्स होते हैं जो हमारी स्किन को नरिश, सूद और काफ़ी हद तक हाइड्रेट कर देते हैं। तो आफ्टर शेव बाम के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जलन नहीं महसूस होती और स्किन ड्राइनेस एकदम ख़त्म हो जाती है। बट फिर भी कई सारे लोग पूछते हैं कि सर, जब आफ्टर शेव बाम्स हैं तो आफ्टर शेव लोशन लगाना या अप्लाई करना ज़रूरी है? देखिए, आफ्टर शेव लोशन के साथ एक जनरल हम लोग का ये मानना है कि जब भी हम आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं तो वो जो लगाते समय एक हमको एक हल्का सा टिंगलिंग, एक बर्निंग सेंसेशन होता है और वो बर्निंग सेंसेशन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि अल्कोहल कंटेंट कितना है। जितना ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वो आपको स्टिंजी या आपको कहीं ना कहीं स्टिंग जो आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। तो आफ्टर शेव लोशन मैंने काफ़ी ट्राई किए हैं और उनसे कभी मेरी स्किन को प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर कई लोग शिकायत करते हैं कि कई लोगों को जो है वो स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी स्किन्स में रेड स्पॉट हो जाते हैं और कभी कभी वो रेजर बम्प्स और उभर के सामने आ जाते हैं। दे फील लॉट ऑफ जैसे कहते हैं कि कई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बड़ी पर्सनलाइज और काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव हो जाती हैं। तो आफ्टर शेव लोशन लगाने का पर्पस ये होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे स्किन के पोर्स जो होते हैं वो रेजर ग्लाइड के दौरान जो खुल जाते हैं। अब क्या होता है, देखिए, रेजर को जब हम ग्लाइड करते हैं तो डायरेक्ट जो होता है इस ब्लेड के इस जो बेस प्लेट के साथ, जो अगर आप देख सकते हो तो इसमें जो ब्लेड होता है जब ये हमारे स्किन के इस कॉन्टैक्ट में आता है तो एक तरह का एब्रेसिव एक्शन होता है। एब्रेसिव एक्शन का मतलब क्या होता है, स्किन का खुरचना, और उसकी वजह से जो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और इन स्किन के जो पोर्स को बंद करने के लिए हम लोग जो होते हैं आफ्टर शेव लोशन को अप्लाई करते हैं। दूसरा पर्पस क्या होता है आफ्टर शेव लोशन का, कि जो कभी निक्स होते हैं, हल्के हल्के कट होते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, तो अल्कोहल की वजह से वो इन्फेक्शन होने का जो डर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये इनमें बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है, तो एक वो जो महकने का जो एहसास होता है वो एक अलग लेवल की रिफ्रेशनेस देता है। तो इन कारणों से आफ्टर शेव लोशंस को अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, आफ्टर शेव लोशन को यूज़ करते समय कई चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ या उनको खरीदते समय मैं ध्यान रखता हूँ कि उसमें अल्कोहल किस तरह का है, क्योंकि अल्कोहल तो आपने देखा होगा कि घर में जो हमारे सैनिटाइजर है उसमें भी होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मेथनॉल, इथाइल अल्कोहल, फिर आपने कभी कभी देखा होगा डीनेचर्ड अल्कोहल। तो नॉर्मली जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है और इथाइल अल्कोहल होता है, इनमें जो अगर वो परसेंटेज अल्कोहल की 70-80% होती है तो वो बड़ी तेज आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, एक स्टिंगिंग फीलिंग आती है, करेक्ट, बर्न जैसा एहसास होता है। तो मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ कि इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है अल्कोहल का ना हो। फिर एक चीज़ का और मैं ध्यान रखता हूँ उनकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में, कि उसमें अलग अलग तरह के जो थैलेट्स होते हैं वो ना हो, क्योंकि थैलेट्स आर बेसिकली टॉक्सिक कंपाउंड्स। ओके, तो बाकी जो है उनकी फ्रेग्रेंस कैसी है ये भी काफ़ी हद तक मेरी जब चॉइस पे डिपेंड करती है कि किस तरह का आफ्टर शेव लोशन जब मैं खरीदता हूँ तो उसकी स्मेल कैसी है, एक्वेटिक है और या फिर क्या कहते हैं सिट्रसी है, वुडी है, मस्की है, करेक्ट, अलग अलग तरह की स्मेल्स जो मेरे को पसंद है। बट हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान रखता हूँ मैं कि बहुत तेज जो है फ्रेग्रेंस ना हो। तो ये सब चीज़ें जब भी आप अपने लिए आफ्टर शेव लोशन प्रोक्योर करें तो उनका ध्यान रखें कि आपको किस तरह की फ्रेग्रेंस, आपको किस तरह का एहसास चाहिए। बट यस, कभी कभी जो है आफ्टर शेव लोशंस की कॉस्ट भी बढ़ जाती है,
इंग्रेडिएंट्स की वजह से। तो चलिए मैं अब ज़्यादा बकबक ना करके सीधे मुद्दे पे आता हूँ। तो लेट मी कम स्ट्रेट टू माय टॉप 11 आफ्टर शेव लोशंस। तो बड़ा डिफिकल्ट है भैया ये, क्योंकि सभी जो है रोटेशन में रहते हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कुछ महीने के बाद, क्योंकि कलेक्शन बढ़ता जा रहा है और कुछ महीने के बाद किसी पर्टिकुलर फिर आफ्टर शेव लोशन का जो है नंबर आता है। मगर हाँ, कुछ होते हैं जो बहुत दिल के करीब हो जाते हैं और कुछ होते हैं कि नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो पुराने के साथ रिश्ता नश्ता थोड़ा कम हो जाता है। बट 11वें नंबर पे जो आज मैं आपको बताऊंगा वो नीविया डीप इम्पैक्ट आफ्टर शेव लोशन, अगर आप देख सकते हो तो आई थिंक कैमरे की जो डिस्टेंस है काफ़ी ठीक है, सो नाउ इट मस्ट बी क्लियर। ओके, सो लाजवाब। तो इसकी खासियत क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अल्कोहल तो है मगर वो बर्निंग सेंसेशन का एहसास बहुत ही कम होता है इसमें। दूसरा क्या है कि जो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी हद तक टोंका बीन्स से मैच करती है, उसी की तरह की है, तो एक रिफ्रेशनेस डेफिनेटली फील होती है। और ऑफकोर्स जो ब्रांड नेम इज़ नीविया, एक नीविया का एक और आफ्टर शेव भी आता है वो भी मेरे दिल के बड़े करीब है फॉर सेंसिटिव स्किन, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। मगर आज इतने सारी चॉइसेस थी तो आज मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया और ये जो है 11वें नंबर पे मैंने रखा है और अक्सर ये मेरे रोटेशन में रहता है। तो वेरी सूदिंग, वेरी माइल्ड एंड यस, बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव लेवल की फ्रेशनेस और फीलिंग ये पर्टिकुलर आफ्टर शेव मेरे को देता है। और ये 225 से 230 रुपए का ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर में या किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। सो नीविया डीप इम्पैक्ट कम्फर्ट, सो 11th नंबर पे ये। नाउ 10th पे एज यू कैन सी एक्स, सो एक्स सिग्नेचर डेनिम आफ्टर शेव, एंड बहुत ही अच्छी मस्की इसकी स्मेल है। और डेनिम आफ्टर शेव मैंने कॉलेज के टाइम पे यूज़ किया था आज से ऑलमोस्ट 25-30 साल पहले, और कहीं ना कहीं जो जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे को बहुत नॉस्टैल्जिक बना देता है एहसास। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लॉन्गेविटी भी थोड़ी रहती है, 1.5-2 घंटे तक ये हल्का हल्का जो है आपको फ्रेग्रेंस आपके आसपास रहती है, और बहुत ही अच्छी इसकी परफ्यूम है, बिल्कुल मस्की है। और इसमें भी बर्निंग सेंसेशन इतना नहीं होता, कम होता है। तो यूनिलेवर का प्रोडक्ट है ये, सो टॉप 11 में 10वें पायदान पे, यस एक्स सिग्नेचर डेनिम आफ्टर शेव। ऑन नंबर 9 इज ब्रूट ओरिजिनल। सो अपने एक शेविंग वीडियो में मैंने ब्रूट के बारे में आपको बताया था। ना ब्रूट का जो मैंने फ्रेग्रेंस के बारे में बताऊं तो बिल्कुल यस क्लासिक फ्रेंच फ्यूजियन इसकी स्मेल है, और मगर जब इसकी जो लॉन्गिविटी है वो कम है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/2 घंटा, उसके बाद यू डोंट फील दैट स्मेल। तो इनकी एक परफ्यूम भी आती है, काफ़ी कॉस्टली है वो ओरिजिनल ब्रूट की, तो उसकी जो लॉन्गिविटी है उसके सामने तो ये कहीं नहीं टिकता। मगर यस दिस स्टिल हैज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग फीलिंग, सो ऑन 9th नंबर दिस ब्रूट ओरिजिनल आफ्टर शेव लोशन। ऑन नंबर 8 इज एडिडास आइस डाइव। तो एडिडास अपने आप में एक स्पोर्ट ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्टी फीलिंग इसको लगा के डेफिनेटली आती है। इसकी जो स्मेल है मेरे को बहुत पसंद है, और कई बार तो मैं बिना शेव किए भी इसको हल्का सा एज अ स्प्लैश यूज़ करता हूँ आफ्टर टेकिंग माई बाथ, और लवली। अब इसकी स्मेल आप पूछो तो एक सिट्रसी स्मेल है इसकी, मगर एक हमारा साउथ एशियन फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट है, जिसको हम हिंदी में चकोतरा बोलते हैं,
अब इंग्लिश में पता नहीं इसको पोलेमो या पोमेलो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, पोमेलो शायद, तो उससे बड़ी मैच करती है। मुझे याद है बचपन में हम देहरादून में वो चकोतरे का जो फ्रूट है वो उसको काट करके और उसमें मिर्ची और नमक डाल के खाते थे, तो वो एग्जैक्ट स्मेल उस चकोतरे के फ्रूट की इसमें आती है भाई, और बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही कूल, एक कूलनेस का एहसास कराती है। फॉर समर टाइम आई थिंक दिस इज द वन आफ्टर शेव लोशन विच आई ऑलवेज गो फॉर। सो फंटास्टिक आफ्टर शेव बाय एडिडास। एडिडास के और भी आते हैं, अभी मैंने ट्राई नहीं किए, बट इन द कमिंग टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई मोर। ऑन सेवंथ हमारी लिस्ट के सातवें पायदान पे इंडिया ग्रूमिंग क्लब का रॉयल आफ्टर शेव लोशन, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्लासिक जो है कमाल का आफ्टर शेव लोशन है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी, बहुत ही हल्की, मतलब हल्की सी क्रीमिश है, तो इसमें बर्निंग सेंसेशन तो बिल्कुल नहीं होता, और एक बहुत ही मध्यम वुडी मस्की सिट्रसी बेस नोट जो है, हल्के से सिट्रस जैसे हैं, बट जो टॉप नोट्स हैं वो वुडी और मस्की हैं, उस तरह का आपको एक एहसास दिलाती है, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आफ्टर शेव है। 300 या 325 रुपए के आसपास इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो फंटास्टिक आफ्टर शेव बाय इंडिया ग्रूमिंग क्लब रॉयल आफ्टर शेव लोशन। On sixth number, I'll put this aftershave lotion by Forest Essential, एक premium product, और ये लोग इसको एक luxury product करके भी company इसको justify करती है। और इस aftershave lotion में जो sandalwood and orange peel, अब फिर मैंने वही कहा fragrances are always subjective, कई लोगों को ये fragrances बहुत पसंद आ सकती है, कईयों को नहीं आ सकती, बट एक चीज़ है काफ़ी तेज़ है, तो सैंडलवुड जो है वो मास्क कर गया है, जो सैंडलवुड की जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक दब गई है, और ऑरेंज जो सिट्रस नोट्स थोड़े से हावी हो गए हैं इस पर, ऑरेंज पील का जो एहसास है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, नो डाउट अबाउट दैट। और इसमें कई चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं एज़ पर कंपनी, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसमें स्वीट ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है, ऑफकोर्स लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट, फ्रेश एलोवेरा जूस, होली बेसिल लीफ मतलब तुलसी, तो इस तरह की चीज़ें हैं। मगर एक चीज़ है, जब मैंने पहली बार यूज़ किया था इसका बर्निंग सेंसेशन कम लगा था, मगर अब मैं यूज़ करता हूँ तो काफ़ी तेज जो है बर्न, एक वो टिंगलिंग एहसास होता है, एक मतलब अगर इसको आप डायरेक्टली शेविंग करने के बाद, क्योंकि उसमें एक स्प्रे दे रखा है, आप डायरेक्ट करोगे तो बहुत तेज़ आपको एक एहसास होता है बर्न होने का, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको हाथों में आप स्प्रे करें और दो बूंदे पानी की डाल दें, जो अब मैं करता हूं, तो उससे जो है वो बर्निंग सेंसेशन काफ़ी कम हो जाता है। बट यस, इट्स अ कॉस्टली प्रोडक्ट, 1450 या 1500 के आसपास का प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है यूज़ करते हुए, बट स्मेल जो है मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगती है, बट मैंने अपने ग्रुप में देखा है कि कई लोगों ने इसको प्रोक्योर किया, फिर बाद में इसको गिव अवे कर दिया या इसको बेच दिया किसी और मेंबर को, एंड ब्यूटीफुल बॉटल। पांचवें पायदान पे नीश का आफ्टर शेव ओरिएंटल लेदर, फंटास्टिक बॉटल, बिल्कुल डार्क, डीप डार्क कलर की बॉटल है, और ये भी स्प्रे के फॉर्म में आता है, बहुत ही अच्छी एक स्मेल, और बहुत ही क्लासिक, बहुत ही प्रीमियम फील कराती है स्मेल, हल्की सी मस्की, और डेफिनेटली जो इसकी जो परफ्यूम है वो बहुत ही एक अलग लेवल की है, बहुत ही सटल है, बिल्कुल आपको ओवरपावर नहीं करती, और जब भी आप इसको लगा के कहीं जाओगे तो कोई ना कोई आपको ज़रूर पूछने वाला है कि भैया ये क्या लगाया आपने, और इट्स अ क्लासिक
बहुत ही अलग चीज़ बनाई है नीश ने, फंटास्टिक प्रोडक्ट, आई रियली इन्जॉय वेन एवर आई यूज दिस प्रोडक्ट। ऑन फोर्थ, आप देख के बॉटल समझ गए होंगे, प्रोरेसो। सो प्रोरेसो आफ्टर शेव लोशन एंड ऑफकोर्स यूकलिप्टस एंड मिंट, तो ये एक अलग लेवल की चीज है, ट्रू रिफ्रेशनेस समर टाइम के लिए बहुत ही अच्छा, मैं तो विंटर में भी लगाता हूँ, आप देख सकते हो काफी बॉटल खत्म हो गई है, समर टाइम के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है ये आफ्टर शेव लोशन है। इसका बाम भी आता है, सो आपको एक कूलनेस का एहसास होता है इसमें, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अल्कोहल कंटेंट तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो आपको बर्निंग सेंसेशन बिल्कुल नहीं देता, एंड इट हैज यूकलिप्टस ऑयल एंड मिंट, सो इट कीप्स यू रिफ्रेशिंगली फ्रेश ऑलमोस्ट 2 to 3 hours आफ्टर योर शेविंग। सो फंटास्टिक प्रोडक्ट बाय प्रोरेसो, इटालियन प्रोडक्ट। थर्ड ऑन द लिस्ट, तो टॉप थ्री पे अब आ गए हम, तो टॉप थ्री पे ये मेरा चहेता, बहुत ही जो मेरे को पसंद है दिल से, वो टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट, इसका सैंडलवुड आफ्टर शेव लोशन। वाह, मन करता है बस इसको लेके बैठे हो, और जब आपको स्ट्रेस फील हो तो हल्का हल्का इसकी जो सुगंध है उसको आप स्मेल करते रहो, सो सूदिंग यार। या एक बात तो है, समटाइम आई रियली फील सो ब्लेस्ड व्हेन आई यूज दीज काइंड ऑफ यू नो लोशंस। यस, बड़ा मैं भाव विहल हो जाता हूँ ये सब बताते हुए। तो एनीवे, तो ये भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, और जब भी मैं टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट, इसकी जो शेविंग क्रीम आती है बोल में, उसके बाद ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है ये, और आई एम इन लव विद दिस लोशन एट द सेम टाइम दिस ब्यूटिफुल बॉटल। सो इट हैज़ वेरी सटल नोट्स ऑफ सैंडलवुड, और यस, इसमें भी जो है बर्निंग सेंसेशन काफ़ी कम होता है। सो थर्ड नंबर पे टॉप्स का टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट का ऑफ लंडन, टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट ऑफ लंडन का सैंडलवुड आफ्टर शेव लोशन। तो लास्ट टू, फाइनल टू, एनी गेसेस? सेकंड नंबर पे जिलेट आफ्टर शेव स्प्लैश, और उसमें भी आर्कटिक आइस। अब इनके भी अलग अलग स्प्लैशेस आते हैं, कूल वेव भी आता है, बट कूल वेव मैंने काफ़ी यूज़ किया, इनफैक्ट काफ़ी यूज़ किया, मगर उससे भी एक नॉच ऊपर मेरे को ये लगता है आर्कटिक आइस। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, आर्कटिक आइस और नीचे लिखा है बोल्ड, 50 ml की बॉटल है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज दैट इसकी लॉन्गेविटी बहुत ही अच्छी है, नॉर्मली शेविंग के बाद जब मैं अप्लाई करता हूँ तो 3 to 4 hours तक ये मेरे को हल्का हल्का महकाता रहता है, और एक बहुत ही बढ़िया कड़क रिफ्रेशनेस फील होती है, और इसके जो, अरे वाह अद्भुत, बहुत ही बढ़िया इसकी जो स्मेल है, हल्की सी सिट्रसी भी है, थोड़ी ओशियनिक भी है, और जो कुछ भी है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये जिलेट का, और ये कहीं ना कहीं हमेशा टॉप 10 में तो मेरे रहेगा, प्रोडक्ट्स आएंगे जाएंगे बट ये हमेशा मेरे टॉप 10 में ये ज़रूर रहेगा, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ये। तो यस, जिलेट सीरीज़ का आफ्टर शेव स्प्लैश, और यस ये लोग यहाँ पे लिखा ही है इसमें आफ्टर शेव स्प्लैश एंड ऑफकोर्स आर्कटिक आइस बोल्ड ऑन नंबर टू। सो फाइनली लेट्स कम टू द नंबर वन, और ये अभी हाल ही में मैंने एक्वायर किया है, एंड द मोमेंट आई यूज्ड एंड स्मेल इट आई वॉज ब्लोन अवे, एंड ये है हार्वर्ड वेटिवर आफ्टर शेव फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क्स एंड स्पेंसर, जी हाँ शॉर्ट में वो M&S लिखते हैं। तो वेटिवर आप जानते ही हो,
जिसको हम खस भी बोलते हैं। ओ माय गॉड, फंटास्टिक, ब्यूटीफुल स्मेल। सो इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किए इन्होंने, अब देखिए इसमें जो है अल्कोहल डिनेचर्ड, एक्वा परफ्यूम, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है और ग्लिसराइड्स, प्रोपाइलिंग ग्लाइकॉल और भी ना जाने क्या क्या। बट अगेन इसको भी जब हम लगाते हैं तो एक बर्निंग जो होती है वो बहुत ही कम, एक सटल हल्की सी बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा बर्निंग का कोई एहसास नहीं होता। बट यस, जो ये परफ्यूम है ये एक डेढ़ घंटे तक महकती है, आपको महकाती है और एक बहुत ही अच्छी कूल और एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देती है। आई थिंक फॉर समर्स दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर शेव लोशंस विच आई बी यूजिंग। सो लेट्स सी ये कब तक टॉप फाइव के पायदान में रहता है। बट यस, वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स क्या, इट इज़ ऑन टॉप वन, फंटास्टिक प्रोडक्ट। बन ये भी चाइना में रहा है, एंड ऑफ कोर्स मार्क्स एंड स्पेंसर इज अ ब्रिटिश कंपनी। तो दोस्तों ये थे आज के जो टॉप 11 की लिस्ट में, मगर बहुत सारे ऐसे और भी लोशंस हैं जो मेरे को बहुत पसंद है, और इनमें से एक लोशन का मैंने नाम ही लिया क्योंकि वो टॉप 10 में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग टिल द डे आई डाई वो इस लिस्ट में हमेशा रहेगा। वो एक अलग लेवल का आफ्टर शेव है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज टॉप 11 में उसका नाम नहीं लिया तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, और आपको भी ये पता ही होगा, और बचपन से फिर मैं मजाक कर रहा हूँ, जब से शेविंग शुरू हुई है, हाउ कैन यू फॉरगेट दीज बॉटल्स, यू नो, ओल्ड स्पाइस, ओरिजिनल मस्क लाइन वाला अभी अंदर रखा है, वो मैं लेके नहीं आया, ये तो हमेशा मेरे दिल को हमेशा क्लोज रहेंगे। तो कई लोग आपसे मेरे को ये क्वेश्चन कर सकते थे बाद में कि सर वो ओल्ड स्पाइस यार क्या हुआ यार, मैंने कहा यार इनको कहीं रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में हर किसी वेट शेवर का ये एक परमानेंट जो है उसके पोस्ट शेव सेशन का एक हिस्सा रहेंगे, तो इनके बारे में कुछ बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है। और एक आफ्टर शेव लोशन के बारे में और जिक्र मैं करना चाहूँगा, जस्ट टू टेल यू कि कभी कभी कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो कभी लाइमलाइट में नहीं रहते, वो बड़े ही अंडररेटेड होते हैं, मगर मेरे को बहुत पसंद है वो भी, और वो है सेक्रेट अर्थ का। थोड़ा कूल है ये, ठंडा एहसास देता है, सेक्रेट अर्थ का जो है ये आफ्टर शेव लोशन है, और इसमें लिखते हैं ये लोग, हर्बल आफ्टर शेव स्प्लैश, द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्प्लैश इज दैट इट हैज टी ट्री ऑयल एंड विच हेजल। नाउ विच हेजल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है आपको जो है काफ़ी सूदिंग और हीलिंग इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके जो है कंडीशन कर देती हैं, कंडीशनर का भी काम करती हैं। तो यार इसमें मेंथल, मतलब कूलनेस के लिए मेंथल भी है, हल्का सा अल्कोहल भी है, बट इसको लगा के वो बिल्कुल भी जो बर्निंग होती है उसका एहसास नहीं होता, यू रिमेन, यू फील कूल, कूलनेस ऑलमोस्ट फॉर हाफ एन आवर, और विच हेजल के होने की वजह से एक बड़ा सूदिंग एहसास भी देता है, तो ये मेरे को बहुत पसंद है। अब इसको आज मैंने इंक्लूड नहीं किया, नॉट बिकॉज ऑफ कि इसको मिलना मुश्किल है, ये आराम से मिल जाता है, आप अमेज़ॉन वगैरह में या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, बट इसकी जो परफ्यूम है, इसकी परफ्यूम कुछ नहीं है एज सच, फ्रेग्रेंस बहुत ही हल्की, बहुत ही सटल है, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। ऐसे तो बहुत सारे फेवरेट हैं, बट आज मैंने जो सिलेक्शन में आपको दिखाया वो मेरे टॉप 11 के ये थे। तो जल्दी से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, 11th में निविया डीप इम्पैक्ट, 10th एक्स डेनिम आफ्टर शेव सिग्नेचर लाइन ऑफ कोर्स, 9th इज ब्रूट, 8th इज एडिडास आइस ड्राइव, 7th इज रॉयल, 6th इज फॉरेस्ट एसेंशियल आफ्टर शेव लोशन सैंडलवुड एंड ऑरेंज पील, 5th इज नीश, 4th प्रोग्रेसो, 3rd टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट, 2nd जिलेट आर्कटिक आइस स्प्लैश, द फर्स्ट इज हार्वर्ड
whatever aftershave lotion. So दोस्तों ये था आज का सेशन, फिर एक और सीरीज हम बनाएंगे 2021 के जो मेरे फेवरेट आफ्टर शेव बाम थे उसके बारे में भी आपको जल्दी से कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको किस तरह के कौन से आफ्टर शेव लोशंस, कौन से ब्रांड के आफ्टर शेव लोशंस या किस तरह की आपको परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी क्वेरी हो तो ज़रूर जो है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोस को, वो मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। सो विद दिस नोट लेट्स एंड टुडेज सेशन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।